आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी एक्शन ड्रामा फिल्म जो हर एक मोमेंट पर आपको गूज़बम्प्स देगी, और एक ऐसी कहानी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है पार्क जंग-वू ने, जिसने सिर्फ 0.47 मिलियन डॉलर के बजट पर 32 मिलियन डॉलर्स की कमाई की है। वेल, इसने IMDb पर भी शानदार 6.7 की रेटिंग हासिल की है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी शानदार फिल्म होने वाली है। इसलिए समय को ना गवाते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया के यानबुल नाम के एक छोटे से शहर से होती है, जहां जे अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहा करता है। जे की फैमिली में उसकी माँ, सिस्टर इन लॉ और उसके दो बच्चे हैं, जो भी काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिली के दो बड़े लोग यानी कि जे के फादर और उसके बड़े भैया पावर प्लांट में काम करते हुए मारे गए थे। और अब घर चलाने के लिए जे की शहर में कोई बड़ी जॉब ना होने के कारण उसको भी पावर प्लांट में ही काम करना पड़ता है। थोड़े समय बाद जे और उसके कुछ दोस्तों को हम यानबुल पावर प्लांट में देखते हैं, जहां एक लेडी पूरे प्लांट में नजर रखी हुई थी और साथ ही नोटिस कर रही होती है कि कौन कैसा काम कर रहा है, इसके अलावा कौन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। शिफ्ट के बाद जे शाम को अपनी गर्लफ्रेंड के घर आता है और उसको बताता है कि उसका पावर प्लांट के काम में मन नहीं लगता, इसीलिए वो आने वाले 2 सालों के लिए समुद्र के बीच में फिशिंग करने जाएगा। मगर इयोन उसको डांटते हुए बोलती है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसको हमेशा के लिए छोड़ देगी, क्योंकि वो जे से अलग नहीं होना चाहती। इसलिए इयोन ऐसा करने से इनकार कर देती है, मगर जे उसे मनाने लगता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। वो जाकर यही सेम बात अपनी माँ को भी बोलता है, लेकिन उसकी माँ भी उसको जाने से मना कर देती है। दरअसल शुरू से ही जे का सपना है एक मछुआरा बनने का, लेकिन पावर प्लांट में वो बस मजबूरी में काम करता है। दूसरी ओर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की वाइफ उन्हें पावर प्लांट के यूनिट 1 की रिपोर्ट देती है, और उसमें हो रही गड़बड़ी यानी कि यहाँ सेफ्टी मेजरमेंट्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा था, इसके बारे में प्रेसिडेंट को बताती है। इसी दौरान हम प्लांट में काम करने वाले 2 लोगों को देखते हैं, जो आपस में पावर प्लांट के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स की बात कर रहे होते हैं। अगले दिन प्रेसिडेंट अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाते हैं और सभी से प्लांट में पैदा हो रहे खतरे को लेकर बात करते हैं, और साथ ही वे बताते हैं कि कैसे पावर प्लांट की यूनिट 1 में सेफ्टी मेजर्स की धज्जियां उड़ रही हैं। थोड़ी देर में सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, जिसमें पता चलता है कि ये पावर प्लांट देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरे देश की इकोनॉमी इसी पर टिकी हुई है, इसीलिए प्रेसिडेंट को आखिर में पावर प्लांट को चालू रखने का फैसला देना पड़ता है। उसी दिन जब जे और उसके दोस्त प्लांट में काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक से 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाता है, और 6.1 यानी काफी खतरनाक भूकंप होता है, जिससे यूनिट 1 जहां सेफ्टी मेजर्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा था, उसके रिएक्टर के कूलेंट वाली एक पाइपलाइन में क्रैक आ जाता है, जिसके कारण रिएक्टर में रखा कूलेंट वाटर बाहर बहने लगता है, और अब इस कारण से रिएक्टर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अब अगर ये रिएक्टर फट जाता है तो यानबुल में काफी दूर तक स्ट्रॉन्ग रेडिएशन लीक हो सकती है और आसपास का पूरा एरिया खत्म हो जाएगा। ये सब जानकर कुछ लोग यूनिट 1 के पाइप को ठीक करने चले जाते हैं, मगर ठीक करते समय वेल्डिंग की वजह से पाइप के अंदर का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आसपास के और भी पाइप फट जाते हैं, और अब पाइप के अंदर का पूरा कूलेंट वाटर बाहर बहने लगता है, जिस वजह से रिएक्टर का तापमान लगातार बढ़ना चालू हो गया है, जिसको अगर अभी नहीं रोका गया तो ये पूरी यूनिट को ब्लास्ट कर देगा। प्रेसिडेंट को इसके बारे में बताया जाता है, और प्रेसिडेंट शहर में रहने वाले सभी लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का ऑर्डर देते हैं। शहर के सभी लोगों को बस की सहायता से पास के एक स्टेडियम में लाया जाता है, जहां जे की फैमिली के साथ यौन भी होती है। इधर पावर प्लांट में कुछ लोग फिर से रिएक्टर में हुए क्रैक्स को ठीक करने जाते हैं, मगर रिएक्टर के बढ़ते टेम्परेचर के कारण वो लोग अपना काम बीच में ही छोड़कर भाग आते हैं, और देखते ही देखते रिएक्टर के यूनिट 1 में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके से पूरी यूनिट 1 तबाह हो जाती है। मलबा और रेडिएशन अब पूरे शहर में फैल चुके हैं। धमाके की वजह से पावर प्लांट के अंदर जे के कई सारे दोस्त मारे जाते हैं, मगर जैसे तैसे जे खुद को बचा लेता है। लेकिन जब ये बात प्रेसिडेंट को पता चलती है तो वो इस खबर को मीडिया से छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो उनके देश के सारे पावर प्लांट बंद कर दिए जाएंगे, और ये पावर प्लांट्स उनकी देश के इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी कारण से प्रेसिडेंट इस जानकारी को बाहर के देशों में ना बताने का फैसला करते हैं। यहाँ हम इयोन को देखते हैं, जो भागी भागी सीधे पावर प्लांट के पास पहुंचती है, मगर रेडिएशन ज्यादा होने की वजह से उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। थोड़ी देर में जे अपने दोस्तों के साथ जो धमाके में बच गए थे उनके साथ प्लांट से बाहर आता है। जे को देखकर इयोन काफी खुश होती है और उसको गले मिलती है, मगर जे उसे अपने परिवार के साथ कहीं दूर चले जाने को कहकर दोबारा से प्लांट में वापस चला जाता है, ताकि वो और लोगों की मदद कर सके। इयोन
काफी दुखी मन से स्टेडियम पहुंचकर प्लांट में हुए हादसे और रेडिएशन के बारे में सबको बताती है, जिस कारण लोगों में हड़कंप मच जाता है और सभी लोग गेट की तरफ भागना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर ये लोग बाहर गए तो हादसे की बात बाहर की दुनिया को पता चल जाएगी, इसीलिए पुलिस स्टेडियम के सभी गेट्स को बंद कर देती है। अब सब लोग अपने अपने फोन से कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, मगर हम देखते हैं कि पुलिस ने सिग्नल जैमर्स लगा रखे हैं, जिस वजह से कोई भी कॉल नहीं कर पाता। दूसरी ओर हम जे को देखते हैं जो प्लांट में घुसकर अपने दोस्त को बचा रहा होता है, लेकिन तभी एक पाइप फटता है और उसके अंदर का कूलेंट सीधा जे के शरीर पर आकर गिरता है, जिससे उसको एक अजीब सा शॉक लगता है। मगर वो इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए अपने दोस्त को प्लांट से बाहर ले आता है, पर रेडिएशन के कारण अब उसकी हालत भी बिगड़ने लगती है, इसीलिए जे को अब अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इधर पावर प्लांट में कई सारे फायर फाइटर यूनिट 1 के लगातार बढ़ रहे तापमान को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि रिएक्टर से निकलने वाली रेडिएशन हवा की मदद से देश के दूसरे इलाकों में फैलने लगी है। बढ़ते हुए रेडिएशन के कारण दूसरे देश जैसे चाइना, जापान और अमेरिका अपने लोगों को वापस बुलाने लगते हैं। बढ़ती रेडिएशन की खबर पुलिस को भी दी जाती है, इसीलिए इयोन पुलिस को जगह खाली करते हुए देख लेती है और जल्दी से वापस आकर बाकी लोगों को सारी बात बताती है। साथ ही में कहती है कि अब हमको किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। सभी लोग एक साथ मिलकर दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलना चालू कर देते हैं। तभी इयोन को सामने एक बस दिखाई देती है, सभी लोगों को उसमें बैठाकर ड्राइविंग करते हुए इयोन सबको शहर से बाहर एक सुरक्षित जगह पर ले आती है। लेकिन अब हादसे की खबर मीडिया तक भी पहुंच चुकी है, जिसके कारण 30 किलोमीटर के रेंज में रहने वाले सभी लोग अपने अपने घरों को खाली करना चालू कर देते हैं। और इधर जैसे ही जे को होश आता है, वो अपने यूनिफॉर्म से फोन निकालकर इयोन को कॉल करके अपने हालचाल के बारे में बताता है। साथ ही कॉल कट करने से पहले अपनी फैमिली को कहीं दूर ले जाने को कहता है। लगातार बिगड़ रहे हालात को देखकर प्रेसिडेंट अब फाइनली यूनिट 1 को डीकमीशन करने का ऑर्डर देते हैं, जिससे बढ़ती रेडिएशन को कंट्रोल में लाया जा सके। इसीलिए प्रेसिडेंट चीफ पार्क नाम के एक आदमी जो कि पावर प्लांट का हेड है, उसको कॉल करके ओपन सी वाटर डालने को कहते हैं, जिससे रिएक्टर में निकल रही रेडिएशन को कंट्रोल में लाया जा सके। चीफ पार्क ऐसे करता है, लेकिन अभी भी रिएक्टर पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था। रिएक्टर को ठंडा करने के लिए उन्हें इसके न्यूक्लियर फ्यूल टैंक में रखे कूलेंट जो कि लीकेज के कारण बह रहा है, उसे किसी भी हालात में ठीक करना होगा। अब पार्क फ्यूल टैंक की जांच करके उसकी जानकारी प्रेसिडेंट को देता है। दूसरी ओर इयोन की बस भी ट्रैफिक में फंस जाती है और बस में बैठे सभी लोगों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ेगी, जिसको देखकर प्रेसिडेंट पहली बार जनता से मदद मांगते हुए लोगों को आगे आकर कंधे से कंधा मिलाकर इस लीकेज को ठीक करने की गुहार लगाते हैं। इधर अस्पताल में सभी लोग प्रेसिडेंट की बातें सुन रहे होते हैं, उनमें से गिल प्लांट में हो रही लीकेज को ठीक करने का फैसला लेता है। पहले शुरुआत में तो सभी लोग मना करते हैं, लेकिन अगर वो लोग नहीं गए तो उनकी फैमिली और देश के बाकी लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। अंत में सभी लोग पावर प्लांट के अंदर हो रही लीकेज को ठीक करने के लिए मान जाते हैं। जे कॉल करके सारी बात इयोन को बताता है, जिस पर वो नाराज होकर कॉल कट कर देती है, लेकिन इयोन ये बात किसी को ना बताने का फैसला करती है। अस्पताल से आए सभी लोग ड्रेसअप होकर पावर प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। सभी की ड्रेसेस पर कैमरे लगे हुए थे, जिससे प्रेसिडेंट और बाकी सभी लोग देख रहे होते हैं। अंदर गए सभी लोग टीम्स में बटकर काम करना चालू कर देते हैं, मगर दुर्भाग्यवश लीकेज और बढ़ जाता है और अब उसको ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन है। मगर जे सबको आइडिया देता है कि अगर हम फ्यूल टैंक के नीचे के हिस्से को बॉम्ब से उड़ा दें तो टैंक में रखे फ्यूल रॉड्स और कूलेंट नीचे चैम्बर में आ जाएंगे, जिससे चैम्बर एक नए रिएक्टर की तरह काम करेगा और तापमान भी कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन जो भी ये काम करेगा वो भी उसी के साथ मारा जाएगा। कोई भी ये काम करने को राजी नहीं होता, मगर अपनी फैमिली को बचाने के लिए जे रेडी हो जाता है। पर इस काम को करने से पहले अपनी आखिरी इच्छा के रूप में जे अपने घर वालों से बात करना चाहता था। प्रेसिडेंट जे की ये इच्छा पूरी करने के लिए उसके हेलमेट में लगे कैमरे की मदद से उसे पूरे देश में लाइव दिखाते हैं, जहां इयोन को कॉल पर जे के लाइव आने की जानकारी दे दी जाती है। इसीलिए इयोन जल्दी से सबको बस के अंदर बुला लेती है। अंदर लगे टीवी की मदद से सभी लोग जे को आखिरी बार देखते हैं। जे उनको अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए बोलता है, साथ ही एक इमोशनल मैसेज सबके लिए छोड़कर जाता है। जे की ये सारी बातें सुनकर सभी देशवासी काफी दुखी हो जाते हैं और सबकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आखिर में जे सभी देशवासियों को कहता है कि उसके बलिदान को ना भूले और बॉम्ब को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद गेट को सील कर दिया जाता है ताकि ब्लास्ट बाहर ना पहुंचे। बॉम्ब ब्लास्ट होता है और फ्यूल टैंक में रखा कूलेंट और फ्यूल रॉड्स दोनों चेंबर में आ जाते हैं, जिसके कारण ऊपर रखे रिएक्टर का टेम्परेचर भी नीचे आने लगता है और फाइनली सब लोग बच जाते हैं।
कुछ दिन गुजर जाने के बाद जो लोग भी उस रिएक्टर के पास थे वो सब रेडिएशन के कारण मारे जाते हैं। मूवी के आखिर में यौन अपने टाउन वापस आती है, जो देखती है कि पूरे शहर को सील कर दिया गया है। इसीलिए वो अपनी और जे के बचपन की फोटोज को गेट पर लटका कर चली जाती है, जिसके साथ ये इमोशनल कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। क्या इस कहानी को सुनकर आपको एक और रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड मिनी सीरीज याद आ रही है, जिसको IMDb पर 9.5 की रेटिंग मिली है? अगर हाँ तो अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। लेकिन हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।